एशिया कप में जाने से पहले विराट कोहली भारत की टीम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एशिया कप में जाने से पहले विराट कोहली के फैंस के लिए काफी बुरी खबर निकल कर आई, जहां पर प्रैक्टिस के दौरान और उसके साथ ही योयो टेस्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान विराट कोहली हमें इंजर्ड होते हुए नजर आए। दरअसल योयो टेस्ट में विराट कोहली ने 17.2 के स्कोर के साथ उसको आसानी से पास कर लिया, जिसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे विराट कोहली की बल्लेबाजी की प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जैसे ही विराट कोहली बल्लेबाजी की प्रैक्टिस के लिए आए और वो मशीन के थ्रू गेंद से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे और गेंद की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से गेंद विराट के अंगूठे पर जाकर लगी, जिसकी वजह से विराट कोहली का अंगूठा कुछ देर के लिए बिल्कुल काम करना उसने बंद कर दिया था, जिसके बाद विराट के अंगूठे पर स्प्रे किया गया। हालांकि उसके बाद विराट ने नेट्स के ऊपर बल्लेबाजी करना बंद कर दिया और प्रिकॉशनरी मेजर के तहत विराट कोहली ने रेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझा। हालांकि निकल कर आ रही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विराट की ये जो छोटी मोटी इंजरी है वो आने वाले 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगी और वो वापस से बल्लेबाजी कर पाएंगे और एशिया कप में आपको वापस से रिटर्न करते हुए नजर आ जाएंगे। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से एशिया कप में भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज कौन है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।